फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न फ्रॉम मेहुली। मेहुली आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इजी फिश की रेसिपी। रेसिपी क्या है डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूँ आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ वो है बहुत ही फेमस स्टीम्ड हिलशा की रेसिपी, जिसको बंगाली में बोलते हैं भापा इलिश। तो ये बहुत ही फेमस, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल और इजी है रेसिपी। तो रेसिपी को अंत तक जरूर देखिए ताकि टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल जाए कैसे परफेक्ट स्टीम हिलशा बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी चेक कर लेते हैं। स्टीम हिलशा बनाने के लिए मैंने हिलशा फिश ले लिया है, इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए पहले डाल देंगे ग्राइंडर में येलो मस्टर्ड सीड्स, फिर राई मतलब ब्लैक मस्टर्ड सीड्स और खसखस। इसके साथ डाल देंगे थोड़ा सा नमक। ये याद रखिए, जब भी आप मस्टर्ड सीड्स का पेस्ट या फिर पाउडर बनाते हो तो थोड़ा सा नमक यूज कीजिए, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। इसके साथ एक ग्रीन चिली ऐड कर देंगे और इसको एक फाइन पाउडर में पेस्ट कर लेंगे पहले। ये देखिए ये पाउडर बन चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे एक चम्मच दही, जो कि घर पे जमाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ डाल देंगे थोड़ा सा पानी। दही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप पानी से पेस्ट बना सकते हो। ये देखिए थिक पेस्ट बन के रेडी हो चुका है। अभी हम फिश को मैरिनेट करेंगे। फिश में पहले डाल देंगे हल्दी पाउडर, उसके बाद डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और वो बनाया हुआ पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसको अच्छे से हम दोनों साइड में अच्छे से लगाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप चाहो तो इसको स्टील के टिफिन बॉक्स में बना सकते हो या फिर ऐसे केक टिन में बना सकते हो या फिर कोई स्टील के बर्तन में इसको बना सकते हो। ये बहुत ही एक इजी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें अभी ऐड कर देंगे मस्टर्ड ऑयल, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें हम ऐड कर देंगे स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली। ये देखिए स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली मैं ऐड कर रही हूँ और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद फिर से एक बार पलट देंगे मच्छी को। इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल से इसको कवर कर देंगे, अच्छे से इसको कवर कर देंगे ताकि अंदर की जो भी मतलब स्टीम रहेगा वो बाहर ना निकले। स्टीम करने के लिए पानी मैंने गर्म करने के लिए बिठा दिया था, इसके ऊपर मैं इसको बिठा देती हूँ। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हाफ ये पानी के अंदर रहे और इसको 12 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। 12 मिनट के बाद देखिए पानी भी सूख चुका है और ये बन चुका है। अभी फ्लेम को बंद कर देते हैं। 5 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए डिलीशियस स्टीम्ड हिलशा बन के रेडी हो चुका है, इसको अभी हम सर्व करेंगे। ये देखिए डिलीशियस स्टीम्ड हिलशा या फिर भापा इलिश बन के रेडी है। इसको आप गरम चावल के साथ इसको सर्व कीजिए। ये बहुत ही एक टेस्टी डिश है और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना जूसी, कितना नरम, कितना सॉफ्ट है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और ये सिंपल एंड इजी रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।